हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज 20 जून है और थर्सडे का दिन है। ईद की काफ़ी छुट्टियां गुजर गई और अब दोबारा अपनी रूटीन पे वापस आ गया और सोने की प्राइस से रिलेटेड जो है वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो आज ऑपरेशनल डे है, वर्किंग डे है, उसके हवाले से आपको प्रोवाइड करूँगा। तो गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो चैनल पर, वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि आलमी मंडी जो है वो दोबारा से स्पाइक कर गई है और सोने की कीमत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। गोल्ड की प्राइस बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊँ, इस तरह के रूमर्स भी हैं कि आलमी मंडी में दोबारा जो है वो एक डाउनफॉल देखने में आ सकता है तकरीबन $20 से $30 का। यानी ये मंडी 2300 के अंदर थी और फिर दोबारा से 2310-2320 के पैरामीटर में रही। जैसे कि मैंने कल जो है वो ग्रुप में भी एक मैसेज पोस्ट किया था कि आलमी मंडी ने थोड़ा सा रेज लिया था, $2,325 तक गई, लेकिन आज जब प्रॉपर वर्किंग डे है लोकल मार्केट का तो ये $2,343 पर, यानी $2,343/1 troy ounce पे जो है वो इस वक्त वर्किंग कर रही है। और जो सिग्नल्स हैं वो थोड़े से ऊपर जाने के ही हैं। आज 5:30 बजे US डाटा भी है तो उससे भी मार्केट में प्लस माइनस जो है वो नज़र आ सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी बात को भी अपने माइंड में रखिएगा कि ये थोड़ा सा एक फॉल भी ले सकता है। अब वो कुछ ऐसे लोगों को खुश करने के लिए भी हो सकता है जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कैश में हो और उन्हें गोल्ड में आना हो। तो ये आलमी जो है ना, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जो आप और हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो अगर हम इंटरबैंक में डॉलर की बात करें तो 278.50 रुपये जो है वो इंटरबैंक में डॉलर का रेट है और 279+280 के पैरामीटर में लोकल मार्केट में आपको मिलेगा। अगर आप खरीदेंगे तो 2-3 रुपये प्लस मिलेगा। जहाँ तक दुबई के गोल्ड की रेट की बात है तो दुबई का सोना भी 2,40,000+ चल रहा है, 241,500 इस तरह के पैरामीटर में जो है वो दुबई में सोने की कीमत कैलकुलेट की जा रही है। अब अगर हम आज लोकल मार्केट की बात करें तो सोना जो है वो 2,40,800 रुपये फी तोला है पीस का और 2,38,000 रुपये फी तोला है लोकल रिफाइन की वो गोल्ड जिसे हम पठूर कहते हैं। देखें 2,40,240 के पैरामीटर में हम क्लोज करके गए थे जो हमने लास्ट डे ऑफ किया था ईद से पहले, और इस वक्त जो है वो आलमी मंडी भी ऊपर गई है और लोकल मार्केट में भी सोने का रेट जो है तकरीबन 800 से 1,000 रुपये तोला महंगा हुआ है। और आज फर्दर कोई जो भी चेंजेस होंगे इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट रखूंगा। उसके साथ साथ अब देखें काम की डिमांड पे भी लोकल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ेगा। आगे मुहर्रम भी आएंगे और उनमें काम बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, तो उसमें सोने की पोजिशन क्या रहती है और जिस तरह का ये बताया गया कि इस साल के एंड में सोना काफ़ी महंगा होना है तो उसके हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स बनती हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले दिनों में ज़ेरे गौर होंगी। तो आज के दिन जो है वो 2,40,800 रुपये फी तोला से जो है वो प्राइस स्टार्ट हो रही है। बाकी इंशाल्लाह फर्दर कोई चेंज होगा तो ज़रूर आप लोगों को जो है वो कमेंट में पिन करके नोटिस करने की कोशिश करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।